उदाहरण दिया है, और आप जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि आप बहुत ऊंचे वैज्ञानिक हैं, आप तो सुन ही रहे। कोयला कार्बन, उसी का परिष्कृत रूप हीरा है या नहीं? लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसको मालूम नहीं है कि कोयले का ही बहुत उन्नत परिष्कृत रूप हीरा है, तो कहाँ कोयला कहाँ हीरा, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? खंडन खंड खाद्य वेदांत का बहुत ऊंचा ग्रंथ है, उसमें हर्ष मिश्र ने सिद्ध किया है कि हीरा पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य। शंकराचार्य ने दिया कि जैसे पार्थिव वस्तु में भी आकाश पाताल का अंतर होता है, कोयला भी पृथ्वी का कार्य है, हीरा भी पृथ्वी का कार्य है, कार्बन की दृष्टि से एक रूपता भी है, लेकिन कोयला की कीमत, कोयला कोयला ही है, काला कलूटा, हीरा हीरा ही है। इसी प्रकार से कर्म और उपासना, शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के आधार पर जिसका कर्म जिसकी उपासना जितनी उन्नत होगी, उन्नति में भी जिसकी निष्कामता जितनी होगी, उसको जो लोक मिलेगा, शरीर मिलेगा, या उस लोक की जो धरती होगी उसमें वो दिव्यता होगी जो यहाँ की नहीं। नरक में कोई प्राणी है तो वहाँ भी पंचभूत हैं, लेकिन वो पंचभूतों में सबसे निकृष्ट कोटि के पंचभूत हैं। तो पंचभूतों में भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है, और उस उत्कर्ष अपकर्ष के आधार पर शरीर में भी दिव्यता अदिव्यता आ जाती है। इसलिए हमने कहा कि पंचभूतों में बहुत तारतम्य होता है, वो तारतम्य के आधार पर हमारे पुण्य के उपासना के आधार पर हमको तत्त्व उन लोकों में दिव्य अदिव्य शरीर की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए फिर दूसरी बात यह है कि पांच भौतिक शरीर, कल मैंने कहा था आपको कि मन भी पांच भौतिक है, कहा था ना, लेकिन वो पांचों भूत एक दूसरे से मिले नहीं हैं, जिनको हम अपंचीकृत पंचभूत कहते हैं, उनका कार्य मन है। वेदांत के अनुसार बुद्धि भी भौतिक है, चित्त भी भौतिक है, अहंकार भी भौतिक है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, पैंगलोपनिषद के अनुसार भौतिक भौतिक में अंतर हुआ, क्योंकि भूत भूत में इसलिए अंतर हुआ कि पांच वो भूत हैं जिनमें आकाश आकाश ही है, खालिश प्योर, वायु वायु ही है, तेज तेज ही है, जल जल ही है, पृथ्वी पृथ्वी ही है, एक भूत में शेष चार भूत नहीं जुड़े। हमको जो ये पृथ्वी दिखाई पड़ती है, इसमें जैसा मैंने कहा था एक बटा दो अपना भाग है, इसमें एक बटा आठ आकाश का, एक बटा आठ, एक बटा आठ वायु का, एक बटा आठ तेज का, एक बटा आठ जल का भाग है, सब मिला करके एक बटा दो बराबर एक होता है। हमको जो पृथ्वी प्राप्त है उसमें पृथ्वी की प्रधानता है, ऐसे जल प्राप्त है जो हम देखते हैं इसमें जल की प्रधानता है, लेकिन अपंचीकृत पंच महाभूतों से कर्मेंद्रियाँ भी बनती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी बनती हैं, अंतःकरण भी बनता है, प्राण भी बनता है। तो भूत और भूत में अंतर है, पंचभूत और पंचभूत में अंतर है, और पंचभूतों के कार्य पंचीकृत पंचभूतों के कार्य अपंचीकृत पंचभूतों के कार्य में भी आकाश पाताल का अंतर है। आँख की गोलक को हम देख सकते, सचमुच आँख को नहीं देख सकते, आँख सगुण निराकार है या नहीं? ये तो शरीर है, एक दिन मुर्दा भी हो जाता है। हम जब सोए होते हैं तब आँख की गोलक, मान लीजिए कोई खोल के आँख तो खुली सो के सो गया, इस आँख से रूप का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आँख जो है सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, अंश है। कान जो है सूक्ष्म शरीर का, मुर्दे में भी ये सब रहता है, कान के गोलक रहते हैं। जैसे आप चश्मा को उपनेत्र कह सकते हैं, आँख नहीं कह सकते। चश्मा को यहाँ लगा लें तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। यहीं लगावें, इसका मतलब यहाँ नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के संस्थान हैं, लेकिन यह भी खुली रह जाए, मुर्दे में मान लीजिए खुली रह जाए, उसमें नेत्र इंद्रिय नहीं है, तो गोलक होने पर भी मुर्दा जो है इसके द्वारा देख नहीं सकता। बल्ब अभी है, बल्ब फ्यूज न हो, बिजली चली जाए, तो बल्ब के रहने पर भी विद्युत न रहने के कारण हमको प्रकाश नहीं मिल सकता। फिर कहीं बिजली आ जाए, बल्ब फ्यूज नहीं है,
स्विच ऑन है तो उसी बल्ब के द्वारा हमको प्रकाश हो सकता है। सत्यवान जब अपने मुर्दे शरीर में फिर घुस गए, कैसे घुसे आप जानते हैं, तो उसी मुर्दे शरीर में फिर चेतना आ गई, फिर इसी आँख से वो देखने लग गए। इसलिए पंचीकृत पंचभूतों में भी तारतम्य होता है और पंचीकृत पंचभूत के कार्य और पंचीकृत पंचभूत के कार्य में भी तारतम्य होता है। और ब्रह्मा जी का जो शरीर होता है वो महत्तत्व उनकी दृष्टि से, सांख्य प्रस्थान आदि की दृष्टि से बात करें तो, हम अपनी दृष्टि से भी बात करें तो, वो पंचभूतों के कारण का को लेकर उनका शरीर बनता है। और भगवान जो होते हैं नारायण इत्यादि, उनके भी श्री विग्रह हैं, वो फिर उसमें न अहंकार योग का योग होता है, न महत्तत्व का योग होता है, विशुद्ध सत्व के योग से ही लीलापूर्वक उनका शरीर बनता है। इसलिए शरीर शरीर में भी आकाश पाताल का अंतर है, मन में भी अंतर है, तो ये सब पंचभूतों में भी तारतम्य है। दिव्यता को लेकर अदिव्यता को लेकर यह सब विभाग है। भौतिक तो बहुत होते हैं लेकिन भौतिक में भी अंतर हुआ। दूसरी बात है कि मान लीजिए दिल्ली आदि शहर की बात है, एक ढकेल पर कोई सब्जी बेचने वाला चला तो लोग माताएं निकलती हैं, वो सब्जी लो सब्जी, मैंने देखा है। अब उन्होंने काम चुन के लेंगी, चुन के ले लो माई, चलते चलते फिर दूसरे जगह, अब जो बच गए एक नंबर के तो उसने चुन लिया, चुनते 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 जब कोई लेने योग्य नहीं रहा तो फेंक देता है वो। ठीक इसी प्रकार से सब्जी तो भी है, इसी प्रकार से यह होता है कि पंचभूतों में भी तारतम्य होता है। पृथ्वी, अच्छा वैसे देख लीजिए आप, चीन की मिट्टी चीनी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कपास को उत्पन्न करने वाली काली मिट्टी, और फिरोजाबाद की वो मिट्टी जिससे चूड़ियाँ बनती हैं, तो मिट्टी मिट्टी में भी कितना तारतम्य है। इसी प्रकार से पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में भी अंतर होता है। उस तारतम्य का वर्णन हमारे सांख्य शास्त्र में, वेदांत में है। और क्या पूछना।